हेलो दोस्तों, आज हम असूस वीवो बुक की सर्विस करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेना है प्रॉपरली, फिर बेस के इस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो इसका बेस है वो बाहर की तरफ निकलेगा। इसके जो आगे के 4 स्क्रूस है उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, और जो बाकी के स्क्रूस है इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी हमने ओपनर को टच पैड और बेस के बीच में जो गैप होता है उसमें डालेंगे, और इसके जो प्लास्टिक के लॉक से इसको हम अनलॉक कर लेंगे। धीरे से बेस को ऊपर उठाना है। यह आप देख सकते हैं लैपटॉप ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने जो बैटरी की केबल है इसको डिस्कनेक्ट करना है। इसके लॉक को स्लाइड करके केबल को ऊपर खींच लेना है। यहाँ पे हमारी M.2 SSD लगी है। ये 2 स्पीकर्स है, ये हीट फैन है, ये हीट सिंक है, इसके नीचे प्रोसेसर, ये DDR4 की एक स्लॉट है, ये वाईफाई कार्ड है, और यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क लगेगी। सबसे पहले हम बैटरी को खोल लेंगे। इस पे 3 स्क्रूज दिए हुए हैं बैटरी पे, इन तीनों स्क्रूज को खोल लेना है। और बैटरी को केबल से पकड़ के ऊपर उठा लेना है। फिर हमने इसकी जो कीबोर्ड की केबल है इसको अनलॉक करके केबल को बाहर निकाल लेना है। ठीक ऐसे ही टच पैड की केबल को अनलॉक करके केबल को बाहर निकाल लेना है। इसकी जो वाईफाई की एंटीना की केबल है इसे ऊपर खींच लेना है। जो स्पीकर की केबल है इसको स्लाइड करके निकाल लेना है। डिस्प्ले केबल है, इस पे टेप दी होती है, टेप को निकाल के केबल को हमने स्लाइड कर लेना है बैक साइड की तरफ। अभी हम M.2 SSD को निकालेंगे। एक स्क्रू खोल के M.2 SSD को हमने बाहर खींच लेना। ये उसके ऊपर एक कवर दिया होगा, टेप के साथ स्टिक होता है, आपने पहले उसकी टेप खोल लेनी है, फिर हमारा कवर बाहर आ जाएगा। फिर हमने M.2 SSD को बाहर खींच लेना है। अभी इसके मदरबोर्ड के ऊपर स्क्रूज दिए हुए हैं, 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको खोल लेंगे। प्लस लेफ्ट साइड की जो हिंज है इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। मदरबोर्ड के सभी स्क्रूज की साइज सेम है। जो ये हिंज है इन पे जो स्क्रूज दिए हुए हैं इनको खोल के जो हिंज है इसको हमने ऊपर की तरफ कर देना है। अभी हमारे फैन लगा है, फैन को भी हमने खोलना पड़ेगा। फैन पे 3 स्क्रूज दिए हुए हैं, तीनों को खोल लेंगे। अभी फ़ैन को ऊपर उठा लेना है। फिर हमने धीरे से मदरबोर्ड को ऊपर उठाना है। इस पे एक राइट साइड पे एक केबल और दी होगी USB डॉटर कार्ड की, इसको केबल को भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। नीचे टेप के साथ स्टिक होती है,
इसको ऊपर करके निकाल लेना। ये हमारा मदरबोर्ड निकल गया बाहर। ये हमारी रैम निकल गई है। अभी हम सभी को साफ़ कर लेंगे प्रॉपरली। मदरबोर्ड को एक साइड पे रख के अभी हम सबसे पहले फ़ैन को डिसकनेक्ट करेंगे। केबल को स्लाइड करके निकाल लेना है। फिर हमने टच पैड को साफ़ करना है। फिर जो फ़ैन है इसको भी हमने प्रॉपरली साफ़ कर लेना है। अभी जो मदरबोर्ड है इस पे जो हीट सिंक लगी हुई है, इन पे चार स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको हम खोल लेंगे। अभी धीरे से हीट सिंक को ऊपर खींच लेना है। जो ये पुरानी थर्मल पेस्ट है इसको हमने कोई भी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेना है। हीट सिंक के ऊपर पेस्ट लगी होगी उसको भी हमने साफ़ कर लेना है। सभी पे हमने ब्रश मार लेना ताकि कोई पेस्ट इधर उधर लगी होती वो निकल जाती है। अभी हम इस पे प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट ऐड करेंगे नई वाली। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में लगाना है। अभी हमने इसके ऊपर हीट सिंक रख के इसके चारों स्क्रूज को टाइट कर देना है। अभी टच पैड को क्लीन करके हम टच पैड को यहाँ रख के उसके ऊपर मदरबोर्ड फिट करेंगे। आपने केबल्स का ध्यान रखना है, कोई भी केबल मदरबोर्ड के नीचे ना आ जाए। जो राइट साइड में यूएसबी कार्ड है इसकी हम केबल को अटैच कर लेंगे। फिर मदरबोर्ड के सभी स्क्रूज को हम टाइट कर लेंगे। अभी हमने हिंज को नीचे करके हिंज के स्क्रूज को भी टाइट कर देना है। जहाँ पे हिंज के स्क्रूज लगाते हैं वहाँ पे एरो बनी होती है, वहाँ पे ही लगेगा। अभी जो फ़ैन हमने साफ़ किया है इसको हम फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले केबल को कनेक्ट करना है, फिर फ़ैन को ऊपर रख के इनके तीनों स्क्रूज जो फ़ैन के हैं उनको टाइट कर लेंगे। अभी हम सभी केबल्स को लगाएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले की केबल है, इसको हमने स्लाइड करके कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। और जो ऊपर टेप है इसको हमने चिपका देना है। फिर स्पीकर की केबल को स्लाइड करके कनेक्ट कर देना है। फिर बाकी की केबल्स को भी हमने कनेक्ट करके लॉक कर देना है। टच पैड की केबल को भी अंदर डाल के इसे लॉक कर देना है। सेम ऐसे टच कीबोर्ड की केबल को हमने अंदर डालना है और लॉक कर देना है। जो
जो वाईफाई के एंटीने की केबल है इसे जस्ट ऊपर से रख के प्रेस करना है, ये लॉक हो जाएंगी। अभी जो M.2 SSD है जैसे कट बना है ठीक वैसे ही डालना है, और इसके ऊपर जो कवर है इसको भी हमने डाल देना है, और एक स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। अभी हम बैटरी को साफ़ करके बैटरी को भी फिक्स कर देंगे। बैटरी को ऊपर रख के इसके स्क्रूस लगा देने हमने बैटरी के। अभी हमने बैटरी की केबल को अटैच करना है, जस्ट ऊपर रख के प्रेस करके जो लॉक बना है उसको स्लाइड कर देना है। अभी हम बेस को साफ करके बेस को अटैच करेंगे। बेस को जस्ट ऊपर रख के इसको सभी साइड से प्रेस कर देना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपरली लॉक हो जाए। अभी हम बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी एक बार हम लैपटॉप को ऑन करके चेक कर लेंगे। जब भी हम बैटरी को डिसकनेक्ट करके दोबारा लगाते हैं तो ASUS के कई मॉडल्स होते हैं उनमें डिस्प्ले लेट आता है, तो आपने घबराना नहीं है, वेट करना है। आप चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कई मॉडल्स में चार्जर कनेक्ट करने पर फिर लैपटॉप ऑन होता है। ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स चल रही है। अभी इसका डिस्प्ले भी आ जाएगा एकदम प्रॉपर, ये आ गया है। शुक्रिया।